दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मजीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो पाक सच टीवी इंटरटेनमेंट ते मैं तुहाडा मेज़बान मकसूद अहमद। नाज़रीन, अज 6 सितंबर का दिन है, शहीदां गाज़ियां का दिन। तो असीं आए हैं जड़ां वाले दे विच ते इत्थे तुहाडी मुलाकात करावांगे। सियासी ते समाजी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, इन्हां दे घर दे विचों भी बहुत सारे लोग आर्मी दे विच अपनी खिदमात अंजाम दित्तियां ते इन्हां दे भांजे शहीद भी होए। तो अज असीं हाज़र होए हैं राजा नदीम अकबर जंजोआ साहब दे घर। तो आओ नाज़रीन, उन्हां नाल मुलाकात करते हैं, तो उन्हां को पुछते हैं 6 सितंबर के बारे च, तो उन्हां दे भांजे जिहड़े शहीद होए उन्हां दे बारे च गल करते हैं। आओ नाज़रीन जी। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी राय साहब, ठीक हो? राजीव बिल्कुल ठीक ठाक। जट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तुसीं लाहौर तो तशरीफ लै के आए हैं और मैनूं बड़ी खुशी है कि तुहाडा चैनल बड़ा अच्छा है पाक सच, तो तुसीं अज साडे को आए हैं। शहीदां दा अज दिन है। नाज़रीन, राजस्थान पुछदे हैं इन्हां दे फैमिली बैकग्राउंड दे बारे च। जी राय साहब, अपने फैमिली बैकग्राउंड दे बारे ज़रा दसो साडे नाज़रीन। असी पिछों साडा इलाका जिहड़ा है जेलम है, तहसील पिंड दादन खान है। साडे पिंड दा नाम जलालपुर शरीफ है। इत्थे सानूं बजुर्गां नूं जमीनां मिलियां, इस तहसील जड़ां वाले दे विच असी हुण रहि रहे हैं, ते इत्थे ही साडा सारा है सिलसिला। पिछों असी जेलम दे आ, तो उस तो बाद मेरा भाणजा जड़ा राजा कैप्टन फरहान अली शहीद होया, वह भी इस जड़ा वाले दे पैदा होया। जड़ा वाले जी उन्हें इब्तदाई तलीम हासिल की है और उन्हें दरा आदम खेल के कोल एक छब्बर पिंड से उत्थे दहशतगर्दा का मुकाबला किया और 9 दहशतगर्द जड़े ने हलाक किए हैं, तो आप उत्थे शहादत नोश हासिल की है। और जोड़ा मेरा भाणजा से जिस दिन आर्मी गया से उस दिन ही जट साहब उन्होंने उन्होंने बड़ा शौक से शहादत का बड़ा शौक से उन्होंने कि मैं मामू जिधर भी जाना ना, तो वानिया में भी उन्होंने ऑपरेशन किया, उधर भी दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया और काफ़ी मुकाबले किए हैं। 15 दिन उसकी कोर कमांडर लाहौर के साथ पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो शहीद हुए हुए थे, उसने कहा मैंने भी शहादत हासिल करनी है। वाह वाह वाह, बड़ी बात है जी। राय साहब, तुहाडे फैमिली जो होर भी लोग आर्मी दे विच ने? जो मेरे भांजा राजा कैप्टन फरहान अली शहीद हुआ है, उसके बाबा जो हैं वो भी आर्मी में हैं, राजा कर्नल नसरुल्लाह। उससे छोटे मेरे बहनोई हैं राजा कर्नल मकसूद, वो भी हैं। मेरे कर्नल कज़न है राजा कर्नल आसफ मेहदी। इस तरह
हमारी फैमिली सारी आर्मी में ही है और जो आर्मी में सब इस तरह अपने मुल्क के लिए दफा के लिए हम वक्त लड़ने के लिए तैयार है। हमारी सारी फैमिली आर्मी में है तो हम भी हमें भी बड़ा शौक है कि हम भी अपने मुल्क के लिए, मैं भी अपनी जान जो है ना अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दूँ। बिल्कुल जी, हर इंसान का यही जज्बा है, हमारा भी यही जज्बा है। शहीदों का दिन, गाजियों का दिन, तो इस बारे की ताड़े तासरात ने की अपनी आवाम में पैगाम देना चाहते हो? मेरा पैगाम ये है कि जिस माँ का बेटा कैप्टन आर्मी चो शहीद होंगे ना, अल्लाह ताला उस पूरे खानदान को जन्नत अल फरदौस जगह दे दें। और देखो वह मावं मैं सल्यूट पेश करदा जिन्होंने बेटे पैदा कर दे, करनल जनरल जिन्हें भी पैदा होंगे है और अपने मुल्क लिए दफा लिए जाना देंदे पे, मैं उन्होंने मावं सल्यूट करदा बस। और मैं कहना कि हर अल्लाह ताला हर माँ के घर माशाल्लाह कैप्टन जनरल ही पैदा हुए जो इस मुल्क वास्ते दफा लिए लड़े जाके। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। नाज़रीन एच सी राजा नदीम अकबर जंजोआ साहब, तो आओ नाज़रीन चलते हैं हुण राजा नदीम अकबर जंजोआ साहब के भाई राजा नसीम अकबर जंजोआ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम राजा नसीम साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, 6 सितंबर का दिन, शहीदों का दिन, तो जवानों ने अपनी जाना कुरबान करके अपने मुल्क की खातर तो ताड़े को हाज़र होए हैं, तो ताड़े की तासरात है? ताड़े भांजे भी शहीद होए, तो आज के दिन के बारे ताड़े की तासरात ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर का जो दिन है, हमारे जो नौजवान 1971 1965 की जंग में शहादतें दी जिन्होंने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जिन माओ ने बेटे अपने जवान करके मुल्क की सरहदों पर हिफाजत के लिए भेजे हुए हैं, अब भी हम उनके लिए दुआ गो हैं। आज का दिन जो है 1965 में पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना ज़्यादा इंडिया की फ़ौज ने अचानक हमला किया, लेकिन हमारे नौजवानों ने शहादतें दी और अपने मुल्क की हिफाजत की। जी राय साहब, आपके भांजे भी फरहान, कैप्टन फरहान शहीद हुए, उनके बारे में कोई कमेंट्स आप देना चाहते हैं? जी, वो हमारा भांजा इतना लायक और शरीफ था कि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पाक फ़ौज में रह के उसकी खिदमात अंजाम दूँ, और उसने जब शहादत से पहले एक दफ़ा घर आया तो उसने कहा मेरे जो दोस्त हैं शहीद हुए, तो मेरा दिल भी है कि मैं भी शहादत की ऐसे ही उनके साथ, मेरा दिन मामू कहता रात दिन मेरा यही दिल होता है कि उनसे बदला लूँ, और मैंने उनसे बदला लेना, वो एक माह बाद ही उसकी शहादत होगी, और उसने तमाम गोलियां अपने सीने पे खाई, तो मैं तमाम शोधा को सलूट पेश करता हूँ, उनके बुलंद दर्जात के वाले से दुआ भी करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम टीम का, डायरेक्टर साहब का, कैमरामैन का, आपका बेहद मशहूर हैं कि आपने इतनी दूर से आके हमारी इज़्ज़त बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। राजा साहब को इजाज़त लेने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने टाइम दिता। राज साहब बहुत शुक्रिया ताड़ा। जल साहब ताड़ा भी पाक चैनल वालों का और ताड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुम लाहौरों आए हैं और मेरे भाणजे वास्ते आए हैं, तो अल्लाह ताला तुहानू भी सेहत तंदुरुस्ती दे, तो बहुत शुक्रिया और ताड़ा चैनल सदा इदा ही चलता रहे। खुदा बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, दे नाल ही साढ़े अज्ज दे प्रोग्राम का वेला खत्म होया, नवे प्रोग्राम च नवे आर्टिस्ट, नवे फनकार, नवी शख्सियत नाल दोबारा हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़।